आज इंटरनेशनल एक मंदिर शिक्षा का वो मंदिर जो हम विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करता है। हमारे मंदिर का एक ही मूल मंत्र है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम जिसे एक निर्धारित समय में पूरा कर विद्यार्थी को इस योग्य बनाना, तीन है एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। हमारे मंदिर का मुख्य ध्येय केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ विद्यार्थी अपने आने वाले जीवन में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो सके। राज इंटरनेशनल की दृष्टि में विद्यार्थी के जीवन तथा विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना ही शिक्षा है। इसलिए विद्यार्थियों की रुचि चाहे वो खेल, विज्ञान, राजनीति, कला और व्यापार हो, के लिए विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण और अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। एक महान उद्यमी की जीवन यात्रा के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा है अपने मूल मंत्र को, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं रतन टाटा 28 दिसंबर 1935 को गुजरात के सूरत में पैदा हुआ। आज मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ। जब मैं 11 वर्ष का था तब बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरा भी तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहते हुए दम घुटता है। अगर इतना ही दम घुटता है तो तलाक क्यों नहीं दे देते। हाँ, हम दोनों के पास अब बस यही एक रास्ता बचा है। माता पिता के अलग हो जाने के बाद मेरी दादी, तू अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ मत लेना, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है, इसी तरह खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। तू हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक मानसिकता लेकर ही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहना। मेरी दादी मेरी माँ भी थी। मेरी दादी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार देते हुए मेरा पालन पोषण किया। मैंने कार्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर जब मैं भारत लौटा तब जमशेदपुर के टाटा स्टील डिवीजन में। ये स्टील कंपनी तो आपके खुद के परिवार की है, फिर भी आप खाने के लिए हम मजदूरों के साथ लाइन में लगते हैं, दिन भर हमारे साथ मजदूरों की तरह काम करते हैं, और बहुत बार तो आप हमारे साथ डॉर्मेट्री में भी सो जाते हैं। भला आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है सीखने की जरूरत। जिंदगी की जंग में कोई भी व्यक्ति एकदम ऐसे ही सिकंदर नहीं बन सकता, उसके लिए व्यक्ति को जमीन से जुड़कर हमेशा सीखते रहने की जरूरत होती है। इसलिए सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसके बाद मैं टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करता रहा, जहां बहुत सी सफलताओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा। 1991 में मुझे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई, हमारे देश में जितनी भी कारें हैं सब विदेशी कंपनियों की बनाई हुई है, क्यों ना भारत में ही भारत की अपनी कार बनाई जाए। लेकिन इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि कार को पूरी तरह से भारत में बनाया जा सकता है? क्या ये मेरा सपना सच हो पाएगा? विश्वास रखो खुद पर,
कोई भी सपना देखने से पहले भरोसा रखना सीखो खुद पर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तब मैंने अपनी जिंदगी में एक बात गांठ बांध ली, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए भरोसा रखिए खुद पर, खुद की सोच पर कि आप कमाल कर सकते हैं। तब मैंने अपनी सोच पर भरोसा रखते हुए दिन रात कड़ी मेहनत की और आखिर 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च के। बंदे जल्दी बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। अपने सपनों की कार को लेकर जो रिस्पांस मैं मार्केट से चाहता हूँ वो रिस्पांस मिला नहीं और धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी। बात इस नौबत तक आ गई जब इंडिका कार मार्केट में बिकी नहीं रही तो इस कार कंपनी को आगे चलाने का क्या फायदा। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि और नुकसान झेलने की बजाय हमें इस कार कंपनी को बेच देना चाहिए। नहीं, हमें इस कार कंपनी को बेचना ही होगा। हाँ, हमें इस कार कंपनी को बेचना ही होगा। हमें इस कार कंपनी को बेचना ही होगा। तब मजबूरी में ना चाहते हुए भी मुझे यह कंपनी बेचने का फैसला लेना पड़ा और फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड के साथ मेरी एक मीटिंग रखी गई। जो काम आपको आता ही नहीं कि कार का व्यापार करना कैसे है, तो आपने इस काम में कदम ही क्यों रखा? क्या जरूरत थी इस व्यापार में इतना पैसा फोड़ने की? अब आ गए हो हमारे पास कि कंपनी खरीद लो। अब आप इतनी दूर से आए हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये कंपनी खरीद कर हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिलफोर्ड के बातों से मैंने बहुत अपमानित महसूस किया। एहसान वाली बात मेरे दिल को चुभ गए और मैंने चलिए कहाँ वापस चलिए, मैंने वो डील कैंसिल कर दी और अपने कार कंपनी ना बेचने का फैसला लिया। आपका कंपनी ना बेचने का फैसला सही नहीं है। मैं सही फैसला नहीं लेता, मैं फैसला लेता हूँ और उसके बाद उन्हें सही कर देता हूँ। सही साबित करने के लिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला, जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो फिर उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करें, जरूरी स्किल व हुनर को सीखें। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए इतनी जानकारी इकट्ठा कर लें, अपने हुनर की धार को इतना तेज कर ले कि कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आपके सामने टिक ना सके। मैंने अपने एम्प्लॉइज से कहा हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। यस सर, हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और इस कार कंपनी को सक्सेसफुल बनाएंगे। धीरे धीरे समय बदलने लगा
मेहनत रंग लाने लगी। आज हमारी टाटा इंडिका कार लोगों के घरों तक पहुंचने लगी है। यस सर, लेकिन फोर्ड कंपनी बहुत घाटे में जा रही है। सर, बिल फोर्ड की फोर्ड कंपनी आज दिवालिया होने के कगार पर आ गई है। ऐसा क्या? फिर तो हमें उनकी मदद करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। तब बॉम्बे हाउस में बिल फोर्ड के साथ एक मीटिंग फिक्स हुई। आपकी एक कंपनी जो लैंड रोवर और जैगवार बनाती है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। आज आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। एक समय आपने ऐसा ही कुछ एहसान टाटा कंपनी पर करने के बारे में भी कहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इन 10 सालों में मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। यदि कोई आपको आपके काम या लक्ष्य के बारे में बुरा भला कहे, आपकी निंदा करे या आपको हतोत्साहित करे, तो आप कुछ मत कहिए। केवल शांत रहकर मेहनत करते हुए सफल होने का प्रयास करते रहे और देखिए आपकी सफलता बहुत ज्यादा शोर मचाती है। एक बात मुंबई में बहुत तेज बरसात हो रही थी, मैं अपनी कार में रेड लाइट पर रुका हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक स्कूटर पर एक परिवार आता है और फटाफट जाकर के फ्लाईओवर के नीचे शरण लेता है। जब मैंने उस फैमिली को देखा तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह भी कोई कम कीमत वाली कार रख सके, 2-व्हीलर की बजाय 4-व्हीलर में ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। एक छोटा सा ख्याल था और मैं चाहता था कि कम से कम पैसे में एक अच्छी कार बने। एक बार एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, सर आप कितनी कम कीमत की कार बनाने की सोच रहे हैं? 1 लाख के लगभग सोच रहा हूँ। टाटा नैनो नाम की कार आई और बहुत से लोगों ने खरीदी थी। नैनो कार की कहानी हमें सिखाती है दुनिया में चाहे जिस लेवल पर पहुंच जाना, भावुक बने रहना, भावुकता को अपने अंदर जिंदा रखना, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो कहीं ना कहीं परेशानी में है। हमारे देश में जब भी कोई संकट आया है तो एक नाम हमेशा मदद के लिए आगे आया है, वो नाम है 2008 में 26/11 का जिस ताज होटल पर हमला हुआ, वो ताज होटल रतन टाटा सर का है। उस हमले में उनके 80 एम्प्लॉइज की जाने गई थी। रतन टाटा सर उन सभी के घरों पर गए, उनके परिवारों से मिले और उनके परिवारों का खर्चा उठाया। जब कोविड-19 भारत में आया तो हमारे देश के लोगों के लिए रतन टाटा सर ने बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि रतन टाटा सर बहुत बड़े दिल वाले हैं, जो अपनी कमाई का अधिकतर भाग समाज कल्याण के कार्यों में खर्च कर देते हैं। रतन टाटा सर की जीवन यात्रा से हमें सीखना चाहिए, अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो फेंकने देना, उन पत्थरों से एक सुंदर इमारत बना देना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो आने देना, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब है कि हम मर चुके हैं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सदा सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे नहीं और जीओगे।
नहीं तो जीतोगे कैसे। राज इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर उपस्थित सभी माननीय व्यक्तियों को मैं धन्यवाद करता हूं, सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इस प्रस्तुति को देखा और सराहा भी। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और इस प्रस्तुति को सफल बनाने के लिए सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं थी, मेरे साथ मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे सहायक, मेरे विद्यार्थी कशिश बत्रा, ललित वर्मा, पंकज और विशेष रूप से आर्यन, जो कि स्कूल का एक बेहतर अभिनेता है, जिसे आप अलग अलग भूमिका में आज देख रहे हैं और देखेंगे भी। और इस सबका श्रेय जाता है स्कूल प्रबंधन समिति को। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं विद्यालय के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सैनी जी का, विद्यालय के निदेशक श्री नवीन सैनी जी, श्री जितेंद्र सैनी जी, श्री हेमंत सैनी जी, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और इस तरह की प्रस्तुति इस मंच पर कराई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, थैंक यू।